नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मौसम विभाग द्वारा अजमेर में तेज बारिश की चेतावनी के बाद अनासागर झील के चैनल गेट से छोड़े गए पानी ने शहर के कई इलाकों में घुसकर करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। झील के तीन चैनल गेट से छोड़ा जा रहा पानी तेज गति से खानपुरा गाँव के खेतों में जा घुसा, जिससे खेतों में लगी सब्जियों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गाँव के गरीब किसान मौसमी सब्जियों को उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की एक लापरवाही ने आज इन गरीब किसानों के खेत तालाबों में बदल दिए। खेतों के आने जाने वाले रास्ते में तकरीबन 3 से 4 फुट पानी आ चुका है। किसानों की माने तो जिला प्रशासन ने बिना किसी निर्देशों के इस कदम को उठाया है, जिसके कारण किसानों को खाने तक के लाले पड़ चुके हैं। वहीं खेतों में बुआई के लिए बीज और खाद के लिए लिया गया कर्जा नहीं चुकाने से कर्जदार भी बन चुके हैं। सरकार ने अनासागर की चैनल गेट खोलने के पहले न खानपुरा के काश्तकारों को कोई नोटिस दिया, न वर्तमान में जो मोरियां उनको खुलवाई, इनको बिगर सूचना दिए ही अचानक ये खोलने से उस तालाब में जलस्तर इतना बढ़ गया कि 400 बीघा जमीन जो इस तालाब के अंदर तेजाब का पानी था, वो वैसे तो पानी बरसात के पानी से तो 15 दिन तक खराब नहीं होती है, लेकिन इससे 24 घंटे में खराब हो जाती है। तो काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है। अब काश्तकारों को अगर इसका मुआवजा नहीं देंगे तो इनके ये कर्जे में डूब जाएंगे और काश्तकारों को मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये काश्तकारों की नौबत आ गई है। पीड़ित किसानों ने इस समय करेला, भिंडी, ककड़ी, खीरा, ग्वारफली और रिचका की फसलों की बुआई कर रखी है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने झील से पानी छोड़ने के पहले उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। पानी के निकासी के पहले तालाब में मौजूद तीनों मोरियों की सफाई तक नहीं कराई गई, जिससे उनकी फसलें डूब गई। स्थानीय पार्षद विजय नागौरा ने कलेक्टर से मांग की है कि जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। ज्वार है, बाजरी है, ऐसे पशुओं के लिए भी है। और ये जो मोरियां है ना, इनका पानी बहुत तेज मात्रा में मतलब चैनल गेट खोल दिए तो हमारे खेतों में फैल गया, सब फसलें नष्ट हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमें इससे पहले कोई नोटिस दिया था? कुछ नहीं, प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया बिना सूचना के। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मोरियां साफ करवाते, सूचना देते तो कुछ बात और थी, लेकिन मोरियां भी साफ नहीं करवाई, उनमें कंकड़ पत्थर फंसे हुए, पानी की निकासी नहीं हो रही है। और जितना पानी यहाँ से जा रहा है ना, उससे 3 गुना ज्यादा मतलब वहाँ आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि मोरियां साफ हो और पानी यहाँ से बहुत कम मात्रा में खोले, ताकि वो जितना आवे वो वापिस निकलता जावे। खेतों में खड़ी फसल के बर्बाद होने के बाद खानपुरा गांव के किसानों का गुस्सा जिला प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा है और सोमवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग की। किसानों के कड़े तेवर को देखते हुए जिला कलेक्टर वैभव गालरिया ने इस मामले में संबंधित अधिकारी को नियुक्त कर बर्बाद हुई फसल का आकलन करने के दिशा निर्देश देते हुए किसानों को उचित सहायता देने की घोषणा की है। देखिए, खानपुरा में अनासागर स्केप चैनल का पानी हमेशा जाता है, इस बार कोई नई बात नहीं है, और फिर भी जो नुकसान है उसकी हमें जानकारी हुई है, तो मैंने तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसके बारे में सर्वे कराएं और जो भी नियमानुसार सहायता बनती है वो सहायता की जाए। देखिए, खानपुरा का जो तालाब है, वो जो भी तालाब टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें संभावना हमेशा रहती है, जब तालाब भरता है तो उसका जो पेटा है, पेटे में यदि कोई फसल है तो उसको कुछ नुकसान होगा। जो नुकसान नहीं होने की जहाँ तक बात है, तो जो एंड रूट एस्केप चैनल का जो पूरा रूट है उसका पूरा सर्वे कराया गया था, ये सुनिश्चित किया गया था कि कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के घर में, किसी भी कॉलोनी में इसके पानी से कोई नुकसान नहीं हो, वो सब कुछ सुनिश्चित किया गया। तालाब में निश्चित रूप से पानी है और उसके लिए जो भी नुकसान है उसका सर्वे करा करके सहायता दी जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने अनासागर झील के महज मौसम विभाग की चेतावनी के चलते हाईकोर्ट के उन आदेशों की अवमानना कर डाली है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रदेश के सभी झील और तालाबों को 1947 की स्थिति में रखा जाए। ऐसे में जिला प्रशासन का ये कदम अनासागर झील के डूब क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों के बचाव के लिए कारगर सिद्ध हुआ है। जब प्रशासन ने पहले जब ये है लोग कहा था कि जब भी पानी या बाढ़ आएगी तो हम जो है मोरियां सब खोल देंगे और साफ करेंगे, परंतु जो इसके अपना जो बना है, जो यहाँ पर प्लांट लगा है, उस प्लांट बनते हुए ये समझौता हुआ कि इस यहाँ पर जो है मोरियां बंद नहीं होगी, खुली रहेगी, साफ सुथरी रहेगी, ताकि यहाँ पर गांव में खेतों में पानी नहीं भरे। पर परिस्थिति उल्टी हो गई, एक तो मोरिया बराबर साफ नहीं करी, दूसरा उन्होंने गेट खोल दिया और पानी सारे खेतों में भर गया, जिससे फसलें नष्ट हो गई।